आदिवासी अंचल खालवा में गत एक सप्ताह से हो रही लगातार कभी मध्यम तो कभी तेज बारिश के कारण क्षेत्र के नदी नाले उफान पर रहे। गुरुवार रात्रि को हुई तेज बारिश से ग्राम मल्हारगढ़ से जामधर मार्ग पर स्थित बारधार नदी के रपटे पर बाढ़ का पानी होने से शुक्रवार को भी आवागमन बंद रहा। रपटे पर बाढ़ का पानी होने के बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर निकलते नजर आए। तेज बारिश के कारण पुलिस द्वारा रखे गए बैरिकेड्स भी बह गए। शुक्रवार को रपटे पर पानी होने के बाद भी तीन व्यक्ति लकड़ी के सहारे रपटा पार करते नजर आए, जिन्हें द एमपी न्यूज द्वारा समझाइश दी गई। ये उभरती नदी क्यों पार करी? टूरिस्ट लेने के लिए जा रहा था। आए कि पैसे काम करने? तो इतनी बड़ी नदी पार टूट जा रही है, पुल टूटा हुआ है, फिर तो सरपंच नदी बोलते हैं क्या कर सब खेतों में खा लिया। आएगा पैसा? पैसे नहीं, तुम रिस्क क्यों ले रहे हो यार? सरपंच सचिव तो जरूर दिएगा फिर तो कब का है उसका पैसा बनाने का? हम लोग सब खा लिया पैसों। अरे तो तुम जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो यार? है क्या कर नदी नाले पार नहीं करना चाहिए, लोगों को मनाएगा, तुम भी मत करो क्योंकि देखो ये बताओ कि तुमने आसानी से पुल पार कर लिया क्या? पानी इतनी मोटी अगर बाई चांस पैर बदल जाता क्या होगा तुम्हारा? आप करोगे नदी पार? हाँ, आप बोलोगे आप नदी कभी पार नहीं करेंगे, ठीक है? अभी नागरिकों से निवेदन है कि आप उफनती नदियाँ पार ना करें। ये हमारे तीन जवानों ने नदी को पार किया है, रिस्क लिए, उनको भी हमने समझाइश दी है और हमारे चैनल ये निवेदन करता है किसी उफनती नदियों को पार ना करें और कोई रिस्क ना ले। द एमपी न्यूज़ आपसे अपील करता है कि ऐसे हालात में नदी पार ना करें। कभी भी पुल से पुलिया से ऊपर से पानी जा रहा हो तो नदी पार ना करें, अपनी जान को जोखिम में न डालें। हमारा यही निवेदन है कि आप सुरक्षित तो सब सुरक्षित। धन्यवाद।